गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ द चैप्टर द इंटेलिजेंट एडवाइस। वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्टिविटी 4, कलेक्टिव नाउन्स। तो बच्चों, पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, मतलब सारे नेमिंग वर्ड को नाउन बोला जाता है। ठीक है, नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उनमें से आज हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन्स मतलब समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब कुछ ग्रुप को समझा रहा हो उसे हम कॉलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कुछ पशुओं का ग्रुप हो सकता है, पक्षियों का ग्रुप हो सकता है, और फूलों का कुछ, मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इनमें से सही उत्तर को चुन के ये ब्लैंक्स को फिल करना है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, क्राउड, हेड, फ्लॉक, बंच, पैक, ट्रॉप, बुके, चेयर, बैंड, प्राइड, ये सब दिया गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर क्या होगा। ए डेस ऑफ लायंस, तो क्या लिखेंगे, ए प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, प्राइड को यहाँ पे लिखना, ए प्राइड ऑफ लायंस मतलब शेरों का एक झुंड, उसे बोलते हैं ए प्राइड ऑफ लायंस। ए डेस ऑफ फ्लावर्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स मतलब पुष्प का एक गुच्छा को बोलते हैं बुके। ठीक है, ए बुके ऑफ फ्लावर्स मतलब पुष्प गुच्छ, एक पुष्प गुच्छ। ए डेस ऑफ एलिफेंट्स, तो क्या लिखेंगे, ए हेड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, हेड, HERD, हेड मतलब झुंड। ए हेड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों का झुंड। ए डेस ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, FLOCK, फ्लॉक। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब एक चिड़ियों का झुंड। ए डेस ऑफ कीज, तो क्या करेंगे, ए बंच ऑफ कीज। ठीक है, मतलब एक चाबियों का गुच्छा। ए डेस ऑफ डांसर, क्या लिखेंगे, ए ट्रॉप ऑफ डांसर, ट्रॉप यहाँ पे है, ट्रॉप। ए ट्रॉप ऑफ डांसर्स मतलब डांसरों का एक ग्रुप। ए डेस ऑफ पीपल, एक क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड यहाँ पे है, क्राउड यहाँ लिखना है, क्राउड। ए क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों का भीड़। ए डेस ऑफ कार्ड्स, तो क्या लिखेंगे, ए पैक ऑफ कार्ड्स, यहाँ पे है पैक लिखना, ए पैक ऑफ कार्ड्स मतलब कार्ड, कुछ कार्ड का एक पैक। ए डेस ऑफ सिंगर्स, तो क्या लिखेंगे, ए चॉयर ऑफ सिंगर्स। ठीक है, सिंगर्स का एक ग्रुप। ए डेस ऑफ म्यूजिशियंस, तो ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मतलब म्यूजिशियंस का एक बैंड ग्रुप। ठीक है, तो उसे बोला जाता है बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। बी ड्रिल विथ ऑपोजिट्स और एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स और उसे ऑपोजिट्स बोला जाता है या फिर एंटोनिम्स, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा हमें लिखना है। ठीक है, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी खुशी दुखी। ठीक है, हैप्पी अनहैप्पी, UNHAPPY, नोटिस्ड अननोटिस्ड, UNNOTICED, अननोटिस्ड। ओल्डेस्ट
ओल्डेस्ट मतलब बूढ़ा, तो क्या होगा यंगेस्ट, यहाँ पे लिखना है YOUNGEST, यंगेस्ट। ठीक है, नियर, नियर मतलब पास, तो यहाँ पे होगा इसका ऑपोजिट है फार, FAR, फार मतलब दूर। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट, तो उसका होगा क्रिएट, CREAT, ई। ठीक है, CREATE, क्रिएट, क्रिएट मतलब सृष्टि करना। पुल, PULL, पुल, पुल मतलब खींचना। ठीक है, उसका होगा ऑपोजिट है पुश, PUSH, पुश। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग मतलब बलवान, उसका ऑपोजिट है वीक, WEAK, वीक मतलब कमजोर। एस्केप, एस्केप मतलब पलायन। ठीक है, उसका ऑपोजिट होगा कैप्चर। ठीक है, CAPTURE, कैप्चर। एलिव, एलिव मतलब जिंदा, उसका ऑपोजिट होगा डेड, DEAD, डेड मतलब मुर्दा। और जस्ट, जस्ट इसका होगा अनजस्ट, UNJUST, अनजस्ट।